नाउ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स में आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको कुछ रिएक्शंस बताए थे जिसमें मैंने आपको ब्रूट्स रिएक्शन बताया था, ब्रूट्स फिटिक रिएक्शन बताया था। ठीक है, सो आज का जो हमारा रिएक्शन है दैट इज़ अगेन ये रिएक्शन है जिसमें हम मेटल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कौन सा मेटल है, आप खुद बताओ मुझे कि यहाँ पे ये रिएक्शन में एक्चुअल में क्या हो रहा है। यू कैन जस्ट मेक आउट कि रिएक्शन विथ मेटल, ये भी जैसे हमने फिटिक रिएक्शन देखा था, ब्रूट रिएक्शन देखा था, उसमें भी हम क्या कर रहे थे, टू मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड वी आर यूजिंग, करेक्ट, टू मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड हम ले रहे थे, उसको सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहे थे और सोडियम के बाद उसको रिएक्ट करने के बाद आपको एक अप्रोप्रिएट डिज़ायर प्रोडक्ट मिल रहा था और वो क्या था, अल्केन था। ठीक है, सो वो रिएक्शन के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वुड्स रिएक्शन, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, वो आपको अच्छे से करना है। ब्रूट फ्रिटिक रिएक्शन जो है वो भी हमने देखा था जिसमें हम एक अल्काइल हैलाइड ले रहे थे और अलाइल हैलाइड ले रहे थे, उसमें दो हेलो अल्केन लेने की ज़रूरत नहीं थी, एक अल्काइल हैलाइड और एक हेलो अल्केन, फिर से हम वो रिएक्शन को सोडियम के साथ कर रहे थे और फिर हमें एक डिज़ायर प्रोडक्ट मिल रहा था। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें समझाया है। ठीक है, तो आप उसको गो थ्रू करो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है। ठीक है, नाउ आज आप जो रिएक्शन देख रहे हैं वो भी हम मेटल के प्रेजेंस में ही कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कौन सा मेटल लिया है, मैग्नीशियम। ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड को जब आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, बट व्हाट इज़ अ कंडीशन, कंडीशन ये होना चाहिए कि इट शुड बी ड्राई ईथर, मतलब वहाँ पर आपको मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो रिएक्शन है आपको इस तरीके से करना होगा कि जिसमें कोई मॉइस्चर ना हो। ये रिएक्शन आप अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, आप फिर से यहाँ देख सकते हैं हमने कौन सा अल्काइल हैलाइड लिया है, C2H5Br लिया है। ठीक है, C2H5Br दैट इज़ योर इथाइल ब्रोमाइड लिया है हमने। ठीक है, C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड लिया है, उसको मैग्नीशियम के साथ आपको रिएक्ट करना है। ठीक है, एंड ये क्या है, ड्राई ईथर, मतलब मैंने कहा कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस रिएक्शन को आप जैसे ही करेंगे, यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, C2H5 मैग्नीशियम और Br। ठीक है, मैग्नीशियम आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर में है, यहाँ पे हमारा हेलोजन है और यहाँ पे हमारा अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो ऐसे मीन्स ऐसे प्रोडक्ट को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस में आने वाला है, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, प्रिपेयर कैसे करते हैं ये आपको पता चल गया, एक रिएक्शन, ये जस्ट एन एग्जाम्पल था, मैं एक जनरल फार्मूला बताती हूँ, उस जनरल फार्मूला से आप किस कैसे भी क्या कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं कोई भी अल्काइल हैलाइड को लेके। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है RX, वी डोंट नो, कोई भी अल्काइल हैलाइड है, जैसे कि आपने यहाँ लिया C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड आपने लिया, उसको किसके साथ रिएक्शन करना है, मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ आप रिएक्ट करेंगे एंड इट शुड बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, मैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करना है और आपको इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज़ RMGX, वेर R इज़ द अल्काइल ग्रुप विच यू हैव यूज्ड, R जो है जो आपने अल्काइल ग्रुप यहाँ जो लिया है वो है मैग्नीशियम मेटल एंड Br, जो भी आप हेलोजन आप ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ Br ही लिया है तो वो Br हो जाएगा, अगर आपने क्लोरीन लिया है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा इस तरीके से। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हम कह सकते हैं जिसमें आपका अल्काइल हैलाइड जो है वो मैग्नीशियम के साथ, एंड पर्टिकुलरली ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिर्फ मैग्नीशियम के साथ होता है, आपको ये नहीं कि आपने यहाँ कैल्शियम ले लिया अल्काइल हैलाइड के साथ वो रिएक्शन कर दिया और आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाएगा, नहीं, यहाँ पे एक चीज फिक्स होती है कि आप अल्काइल हैलाइड कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम जो लेना है आपको दैट शुड बी फिक्स्ड, मतलब यहाँ मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, सो C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड रिएक्टेड विथ मैग्नीशियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपको यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाएगा। जनरल फार्मूला भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है, जनरल फार्मूला आपको लिखना है, बिकॉज सी जनरल फार्मूला से आप कैसे भी टाइप का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ क्या होता है, एक्चुअली बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं।
ठीक है, मैंने आपको एक लिस्ट दी थी जिसमें मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बताया था, मैंने रिड्यूसिंग एजेंट्स आपको बताया है, ठीक है, आपको मैंने डिहाइड्रेटिंग एजेंट बताया है। तो ये सारे जो एजेंट्स मैंने बताए हैं, लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, हमने ये सारी चीज़ें देखी। उसी में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस आएंगे जिसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। इट इज़ प्रिपेयर, हाउ इट इज़ प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। दिस आर एक्स अल्काइल हैलाइड रिएक्टेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव यू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, सो ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें आप अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करने के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर है ये पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन एक्चुअली ये क्या है, इसमें आपको क्या रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है, देखो आपके पास 1-chloropropane है, ओके 1-chloropropane है, एंड अगेन दिस इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, 573 केल्विन पे कर रहे हो, ठीक है। अगर आप किसी भी रिएक्शन में, हमने देखा था लास्ट टाइम कि अगर हम किसी भी रिएक्शन में हीट दे रहे हैं रिएक्शन इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, ठीक है, आप किसी भी रिएक्शन में अगर हीट अप्लाई कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ डिजायर प्रोडक्ट, दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। और ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व आउट हो रहा है, मतलब रिएक्शन आपने रिएक्शन कर दिया, ठीक है, रिएक्टेंट ले लिया, आपने रिएजेंट ले लिए, दोनों को रिएक्ट किया और प्रोडक्ट फॉर्म किया, एंड प्रोडक्ट फॉर्म करने के बाद उसमें से हीट इवॉल्व आउट हो रहा है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको भूलना नहीं है। एक्सोथर्मिक मतलब रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो, ठीक है, एंडो मतलब जिसमें आप हीट सप्लाई कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म अ डिजायर प्रोडक्ट, ओके, सो दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड एक्सो मतलब जिसमें हीट इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। नाउ अगर आप आइसोमराइजेशन देखेंगे, आपके पास फिर से यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है 1-chloropropane, ठीक है, 1, 2, 3, आप इसको प्रोपाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रोपाइल, क्योंकि 3-chloro है, तीन आपका कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है, तो ये आपका प्रोपाइल अल्काइल हैलाइड है, बट उसका करस्पॉन्डिंग नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड हियर यू आर यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3 आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। और आपको इस तरीके से अगर 1-chloropropane से आपको यहाँ पे 2-chloropropane चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पोजीशन है क्लोरीन का, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन का पोजीशन फर्स्ट कार्बन पे है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड कार्बन पे यहाँ पे क्लोरीन का क्या है, आपका क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, तो ये आपका सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो इस तरीके से अगर आपको 1-chloropropane से 2-chloropropane चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 573 केल्विन इतना टेम्परेचर आपको वहाँ पे देना होगा, एंड उसको अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, ओके, विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट, उसके प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करना होगा, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन हुआ जिसमें आप अल्काइल हैलाइड से ही अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करें, ठीक है, जैसे आप सिर्फ पोजिशन में डिफरेंस है, देखो अगर आपके पास 1-chloropropane है, आपको 2-chloropropane चाहिए, तो 1-chloropropane से आप 2-chloropropane ईजिली बना सकते हैं अगर आपने हीट सप्लाई किया एंड ये कैटलिस्ट को यूज़ किया, ठीक है। तो आइसोमराइजेशन एक्चुअली यही है, अल्काइल हैलाइड से अल्काइल हैलाइड को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ हमने यहाँ पे रिएक्शंस मैंने आपको बताया, कुछ रिएक्शंस जो हैं हमने कौन कौन से रिएक्शंस को कम्प्लीट किया, देखो आज हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में देखा, ठीक है, जिसमें हम अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला भी आपको नोट डाउन करना है, और ये भी नोट डाउन करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा आपको ध्यान होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अगली बार हम बहुत सारे रिएक्शंस में
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके, ये समझ में आ गया। उसके बाद आइसोमराइजेशन हमने देखा, जिसमें 1-क्लोरोप्रोपेन से हम 2-क्लोरोप्रोपेन फॉर्म कर रहे हैं एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड अ कैटलिस्ट, ठीक है। इसके पहले भी मैंने कुछ रिएक्शंस, हमने बहुत सारे प्रिपरेशंस मेथड अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड देख लिया है, ठीक है। जैसे SN1 और SN2 रिएक्शन हमने देखा, वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन थे, ठीक है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन थे। फिर मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शन बताया, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हमने देखा रिडक्शन, उस ये कुछ केमिकल रिएक्शंस थे जो हमने अल्काइल हैलाइड्स के साथ किया, ठीक है, रिडक्शन हमने देखा। उसके बाद हमने रिएक्शन विथ मेटल्स, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था रिएक्शन विथ मेटल्स में, मैंने आपको व्रुट्स रिएक्शन बताया था, ओके, एंड व्रुट्स फिटिग रिएक्शन बताया था। ये सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आज जो हमने कवर किया, दैट इज़ रिएक्शन विथ मेटल, ये भी आपको नोट डाउन करना है अच्छे से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो अल्काइल हैलाइड, कोई भी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन ही अल्काइल हैलाइड है, तो हेलो अल्काइल हैलाइड को आपको लेना है, उसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करना है, तो आपको वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन भी आप क्या कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड से अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर रहे हैं। आपने यहाँ पे 1-क्लोरोप्रोपेन लिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपने 2-क्लोरोप्रोपेन लिया है, ठीक है। सो किसका रिएक्शन, आप यहाँ हीट, यू आर सप्लाइंग हीट, एंड हीट आप वहाँ पे देंगे कोई ना कोई मीडियम से, और यहाँ पे कैटलिस्ट। तो ये कुछ रिएक्शंस हो गए, ठीक है, जो हमने देखा अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड का जो इम्पोर्टेंस है, लाइक एप्लीकेशंस मैं आपको बताऊँगी। अब हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है दैट इज़ हेलो अल्केन, हेलो अल्केन्स इज़ देयर अल्काइल हैलाइड ओनली, ठीक है। सो हेलो अल्केन्स आर स्ट्रॉन्गर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, सी दे आर जनरली लिक्विड्स, मतलब यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर है कि जो हेलो अल्केन्स हैं वो क्या है, लिक्विड्स हैं, मतलब उनका स्टेट क्या है, लिक्विड है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्या कि जितने भी अल्काइल हैलाइड्स हैं, चाहे वो मिथाइल क्लोराइड हो जाए, चाहे वो प्रोपाइल क्लोराइड हो जाए, तो ऑलमोस्ट जो भी आपके अल्काइल हैलाइड्स हैं दे आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड्स नहीं होते, सॉलिड्स बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट अल्काइल हैलाइड्स जनरली आइदर इट्स एन मिथाइल हैलाइड, प्रोपाइल हैलाइड, इथाइल, ओके, प्रोपाइल क्लोराइड, क्या कोई भी, वो सारे जो हेलो अल्केन है या अल्काइल हैलाइड है वो आपका क्या है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। नाउ ये आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं। नाउ सेकंड देखो, हेलो अल्केन्स हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द अल्केन एंड दिस इज बिकॉज ड्यू टू द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस। नाउ सबसे पहले इसमें ये समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट वो किस पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है, दैट इज ब्रांचिंग एंड मॉलिकुलर मास, ओके, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ब्रांचिंग और मॉलिकुलर मास। अभी हम देखते हैं कि कैसे अल्काइल हैलाइड्स, हमने देखा कि अल्काइल हैलाइड्स जो हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्केन से ज़्यादा होता है, क्यों, वो मैं आपको एक हम देखते हैं कैसे ज़्यादा होता है, क्योंकि मॉलिकुलर मास पे डिपेंड करता है। ये आई थिंक ये टॉपिक पहले क्लियर हो गया होगा आपका, बट नहीं है तो फिर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। सी मॉलिकुलर मास, इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं C2H6, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं C2H5Cl, ये दो एग्जाम्पल्स हो गए, ओके। नाउ अब हमें चेक करना है कि दोनों में से दो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, तो कैसे करोगे, मॉलिकुलर मास आप सबको निकालने आता होगा, निकालो मॉलिकुलर मास, क्योंकि इन दोनों में से जिसका मॉलिकुलर मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो ब्रांचिंग पे और एक है मॉलिकुलर मास, ठीक है। तो हम निकालेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 12, हाइड्रोजन का 1, सो 2 × 12 प्लस 1 × 6 हो गया ये, ऐसे ही आप यहाँ पे भी कर लो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन यहाँ पे 5 है, ठीक है,
दैट इज़ वन एटम, उसका एटमिक नंबर है, और क्लोरीन का 35.5। ठीक है, तो करो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 12 प्लस 1 × 5 प्लस 35.5। कैलकुलेट करो यहाँ पे, 24 प्लस 6 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका हो गया 30। ओके, और ये आपका कितना हो जाएगा, 24 प्लस 5 प्लस 35.5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 29 प्लस 35.5। ओके, ये हो गया 30, हमें इसका मिल गया C2H6 इथेन जो है। ठीक है, ये एक अल्केन है, सिंपल अल्केन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 30 मिल चुका है। इसका आप निकालो कितना होगा, 35.5 एंड 29। ओके, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ओके, ये हो गया 64.5। तो देखो यहाँ पे, अगर मुझे अल्केन और अल्काइल हैलाइड में मैंने ये कंपेयर किया, उनके मॉलिक्यूलर मास को निकाला, तो आप देख सकते हैं क्या हुआ यहाँ पे, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, दैट इज़ C2H5 इथाइल क्लोराइड, या मेरा इथेन है और ये मेरा हो गया इथाइल क्लोराइड। ओके, तो इन दोनों में से ये मेरा अल्काइल हैलाइड है और ये मेरा क्या है, अल्केन है। तो अल्काइल हैलाइड्स का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। ठीक है, दैट इज़ 64.5। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर मास दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, सबसे पहले ब्रांचिंग पे, सेकेंडली मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास से कैसे रिलेटेड है, अगर आपके दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ठीक है, आपको बोला है कि इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो दोनों में से, दोनों में से मॉलिक्यूलर मास जिसका ज़्यादा होगा वो उसका क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड। अब हम देखेंगे कि ये जो ब्रांचिंग है या लॉन्गेस्ट चेन पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं कोई एक अल्काइल हैलाइड ले लेती हूँ। ठीक है, जिससे आपका प्रोपाइल हैलाइड हो गया। ओके, ये प्रोपाइल हैलाइड हुआ। ओके, एंड नेक्स्ट आप ले लो, इथाइल हैलाइड। ठीक है, प्रोपाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है कि इन दोनों में से, प्रोपाइल हैलाइड और इथाइल हैलाइड में से, मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस में ज़्यादा है। ठीक है, तो कैसे मैं कैलकुलेट करूँगी वो, आपको यहाँ पे पहले प्रोपाइल हैलाइड और इथाइल हैलाइड्स को ड्रॉ करना है, एंड देन फिर चेक करना है कि उनमें लॉन्गेस्ट चेन, इट देखो ब्रांचिंग जो है वो लॉन्ग कितना बड़ा चेन है। ओके, आपका कंपाउंड जो है वो कितना बड़ा है, कितना लॉन्ग है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे प्रोपाइल हैलाइड या प्रोपाइल क्लोराइड ले लो, कोई हमने फॉर एग्जांपल क्लोराइड ले लिया। ठीक है, और आपका इथाइल ब्रोमाइड ले लिया। ओके, तो ये देखो मैं यहाँ पे बनाती हूँ CH3 CH2 CH2 Cl, ये हो गया प्रोपाइल क्लोराइड आपका। अब ये इथाइल ब्रोमाइड है। ओके, CH3 CH2 CH3 CH2 Br, ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड और ये हो गया इथाइल प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, वो कैसे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे। ठीक है, यहाँ पे कितने नंबर है, कौन सा दोनों में से सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, 1, 2, 3, तीन कार्बन है। ठीक है, सो इसका पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, C3। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 3, 4, 5, 6, 7, H7 और ये Cl। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करो कि फॉर एग्जांपल आपको ऐसा कन्फ्यूजन है, तो जो जितना ज़्यादा कार्बन और हाइड्रोजन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मॉलिकुलर मास से रिलेटेड तो हमने चेक कर लिया। अगर आपके पास ऐसे कंपाउंड्स हैं तो पहले आप उनके स्ट्रक्चर्स लिख दो, उसके बाद उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, तो C3H7Cl हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2C C2, ये हमारा 5 और ये C2H5Br हो गए। ठीक है, तो दोनों में से अब देखो, जिसमें दोनों की क्वांटिटी चेक करो, ये C3H7Cl है और ये C2H5Br है। ओके,
दोनों में से सबसे ज़्यादा कार्बन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है, तो इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इस केस में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो बस ऐसे ही आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश करना है कि अगर सबसे पहले देखो मॉलिक्यूलर मास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉलिक्यूलर मास आप निकाल के और आप इजीली मेकआउट कर सकते हो कि दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। अगर ऐसे कंपाउंड्स आते हैं तो आपको क्या करना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, उसको स्ट्रक्चर बनाना है, उसका फॉर्मूला लिखना है और फिर मोर और लेस बताना है, ठीक है। नाउ एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट पे ही रिलेटेड होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे, इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं वो आपको बताती हूँ। नाउ सी, जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई कंपाउंड हो गया, मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से कंपाउंड है, जैसे 1-chloropropane है मेरे पास, ठीक है, उसके बाद है मेरे पास 1-bromobutane है, ओके, और एक हो जाएगा मेरा इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर दिया है आपके पास, 2-chloropropane है, ब्रोमोब्यूटेन है एंड इथाइल क्लोराइड है, ये तीन चीज़ें आपको दी हैं और आपको इसमें क्या करना है, अरेंज करना है इन सारे कंपाउंड्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है कम से ज़्यादा, मतलब इसमें जो सबसे कम जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो आप पहले होगा और फिर इस तरीके से वो बढ़ेगा, ओके। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉ करो 2-chloropropane, ठीक है। 2-chloropropane हम कैसे बनाएंगे, प्रोपेन दैट इज़ 3-carbon, ओके, 3-carbon क्लोरीन CH3H CH3, नेक्स्ट ब्रोमोब्यूटेन कैसे बनाएंगे, ब्यूटेन है, 4-carbons, ओके, 4-carbon हो गया, ये Br आपने लगा दिया, CH3 CH2 CH2 CH2, 4-carbon हो गए यहाँ पे, ये 3-carbons है। नेक्स्ट इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड भी आपको बनाना है, तो इथाइल क्लोराइड अगर हम बनाते हैं तो इथाइल मीन्स 2-carbon एंड क्लोराइड मतलब Cl, ओके, यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 hydrogen, सो ये CH2, सो ये 3 structures हमने बना लिए, दैट इज़ 2-chloropropane, ब्रोमोब्यूटेन और इथाइल क्लोराइड, ये 3। अब मुझे क्या करना है, तीनों में से अरेंज करना है कि सबसे कम किसका होगा, सबसे कम किसका होगा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कम है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया, इसमें 2 carbon है, करस्पॉन्डिंग 5 hydrogen और 1 chlorine, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला लिख लो C2H5Cl, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 carbon है, मतलब इसका सबसे ज़्यादा होने वाला है, जितना ज़्यादा कार्बन जितना ज़्यादा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, तो ये तो सबसे ज़्यादा, ठीक है, इसका सबसे हाईएस्ट होने वाला है। यहाँ पे आपके C2H5Cl है और यहाँ पे भी हमारे 3 carbon हैं, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, उसको अरेंज कर सकते हो बहुत ही ईजीली। अब आपको यहाँ पता चल गया कि इंक्रीजिंग मतलब सबसे कम से ज़्यादा, तो सबसे कम यहाँ पे इसका होगा, ठीक है, तो इथाइल क्लोराइड लिख दो, इथाइल क्लोराइड आपका सबसे कम होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रोमोब्यूटेन, नहीं ब्यूटेन बाद में आएगा, 2-chloro यहाँ पे लिखो, 2-chloropropane एंड देन हाईएस्ट आपको क्या आएगा, ब्रोमोब्यूटेन, ओके। सो ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट्स में अरेंज करना है, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ अल्काइल हैलाइड्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब जितने भी अल्काइल हैलाइड्स हैं, चाहे वो क्लोरो लाइक इथाइल क्लोराइड हो गया, प्रोपाइल
क्लोराइड हो गया, जितने भी हेलो अल्केन्स हैं या अल्काइल हैलाइड है, दे आर स्लाइटली, वो कम्प्लीटली वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। जो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड मैंने आपको अभी जो चीज़ें बताई कि बॉइलिंग पॉइंट दो चीज़ों पे डिपेंड कर देगा, दैट इज़ ब्रांचिंग एंड मॉलिकुलर मास, वो भी आपको ध्यान रखना है। ऑल हेलो अल्केन्स आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, ओके, एंड जितने भी अल्काइल हैलाइड्स हैं दे आर स्लाइटली पार्शली सॉल्युबल इन वाटर, नॉट कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, ओके। एंड नेक्स्ट है आयोडो ब्रोमो और पॉलीक्लोरो कंपाउंड्स जो हैं दे आर मोर डेंसर देन वाटर, ओके, मतलब उनकी डेंसिटी जो है वो वाटर से भी ज़्यादा है। आयोडीन ब्रोमो और जितने भी पॉलीक्लोरो कंपाउंड्स हैं उनकी जो डेंसिटी है वो आपके वाटर से भी ज़्यादा है। ठीक है, सो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड। बाकी के जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।